लेकिन जैसे ही कोई चीज डबल मतलब दो या दो से ज्यादा हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेनी, है ना। तो वन जैसे आप हो, आप वन हो, अभी आपके भाई बहन सब आपके आसपास आ जाए तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो वो वन नहीं रह जाएगा, वो मेनी कहलाएंगे, है ना। और जब कोई भी चीज सिंगल होती है यानी अकेली होती है, वन होती है, सिंगुलर, क्या होती है, सिंगुलर। लेकिन जैसे ही कोई चीज दो या दो से अधिक हो जाती है यानी बहुत सारी, मेनी हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल कहलाती है। तो बोर्ड पर देखते हैं, वन नाउन इज कॉल्ड सिंगुलर। वन नाउन, नाउन मीन्स होता है किसी भी चीज का नाम, जैसे आपका नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम, ये सारी चीजें नाम कहलाती है, ठीक है। किसी भी चीज का नाम, जैसे आप जहां पर हैं, आपके आसपास बहुत सारी चीजें होंगी, आपके घर में जितने लोग हैं उनका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, तो ये जो भी चीज नाम होती है जिनकी, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, वो बॉल, ये सारी चीजें नाउन होती है, ठीक है, नाउन। तो वहां यहाँ किसी नाउन की बात हो रही है कि वन नाउन इज कॉल्ड सिंगुलर, कोई भी एक नाउन है, कोई भी एक चीज है, तो वो लगता है ना,
वन था तो एप्पल, मोर देन वन यानी टू हो गया, तो ये क्या हो गया एप्पल्स। अब ये बॉल्स एप्पल्स, ये क्या बने, ये दोनों हो गए प्लूरल। क्या कहलाए ये प्लूरल, और ये क्या कहलाए सिंगुलर वर्ड। आई होप आपको ये सिंगुलर प्लूरल क्लियर हुआ होगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी चीज जब वन है, अकेली है, सिंगल है, तो वो सिंगुलर कहलाएगी, लेकिन जैसे ही वो चीज डबल हो गई या मोर देन वन हो गई, उसको हम क्या कहेंगे प्लूरल कहेंगे। और ये प्लूरल हम बनाते कैसे हैं, उस वर्ड के लास्ट में हम यस ऐड कर देते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है। आपको कॉपी में चैप्टर नेम डालने के बाद ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये पिक्चर्स बनानी है, ये पिक्चर्स बनाने के बाद इनको लिखना है, गैप कलर नहीं यूज करना है। फिर उसके बाद आप अपनी बुक में पेज नंबर 25 देखिए, बोर्ड पर कुछ चीजें आपको क्लियर दिख रही होंगी, इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद आप पेज नंबर 25 ओपन करिए। कल मैंने बताया था इसमें, ये देखिए ये वाली एक्सरसाइज मैंने बताई थी, एड यस टू मेक प्लूरल। अब आपको जैसा कि मैंने अभी बताया कि बॉल, वहां पर बॉल था तो बॉल के लास्ट में हमने यस लगा दिया तो ये क्या हो गया प्लूरल बन गया, सिर्फ हमने बॉल के लास्ट में यस ऐड किया था, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। अब इसमें भी आपको सेम ऐसा ही करना है। वो क्या करना है आपको, ये वर्ड लिखा है रोज, आपको रोज लिखा है तो रोज में आप क्या लगाएंगे यस, है ना। देखिए इसमें जैसे आपने लिखा आर ओ एस ई, ये रोज है, हमने इसमें यस और ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया रोजेज, है ना, ये रोजेज हो गया। अब इसी तरह से सेकंड वर्ड है बुक, अब यहाँ बुक लिख करके एस ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा बुक्स। थर्ड है एग, एग लिखा है, एग लिखने के बाद हम एस ऐड कर देंगे तो एग्स हो जाएगा। फिर है बोट, बोट में एस लगा देंगे बोट्स। पेन लिख करके एस करेंगे पेंस, यहाँ पर ये फैंस, काइट्स, टॉयज, शिप्स। इस ये वाली एक्सरसाइज, ये भी बोर्ड पर लिखी है एक्सरसाइज, इतना लिखने के बाद आपको पिक्चर्स बनाने के बाद ये एक्सरसाइज आप ध्यान से देखिए, और इस एक्सरसाइज को आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है। और कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे कि और बाकी वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम कैसे हम प्लूरल वर्ड बना सकते हैं, आगे की एक्सरसाइजेस हम कल पढ़ेंगे। और जितना भी बोर्ड पर लिखा हुआ है इसको आप ध्यान से देखिए, और इसको साफ साफ एकदम राइटिंग में नीट एंड क्लीन बनाना है, लिखना है, सारी चीज़ें करनी है। अब बस आज के लिए इतना ही।